please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. श्री पाठक का सवाल मैं लेना चाहूंगी. 33 साल की इनकी उम्र है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है इनका. पंकज जी, इन्होंने अच्छी बात यह है कि अपने लॉन्ग टर्म और अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को एनालाइज कर लिया है और इन्होंने अपने लक्ष्यों के मुताबिक समय दिया है उन लक्ष्यों को, और साथ ही कितना उन्हें जमा करना है, कितने पैसों की जरूरत है, उसके भी टारगेट्स इन्होंने डिसाइड कर लिए हैं. देखिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए 13 साल में इन्हें चाहिए 80 लाख रुपये, 12 साल बाद बच्चे की शादी के लिए 50 लाख रुपये इन्हें चाहिए. हर 2 साल में इन्हें छुट्टियां मनानी है, उसमें भी भारत में और विदेश दोनों की प्लानिंग है इनकी. हर 2 साल में बाहर जाना चाहते हैं 80,000 रुपए, और कहा भी इन्होंने कि महंगाई उन्होंने काउंट नहीं की है फिलहाल इन लक्ष्यों को डिसाइड करते हुए. विदेश घूमने जाएंगे तो 3 से 4 साल में लगभग 3 लाख रुपए चाहिए. रिटायरमेंट के लिए 28 साल बाद 8 करोड़ रुपए चाहिए. फोन पर नहीं है मेरे साथ राजश्री जी, लेकिन मैं आपको मुबारकबाद इसीलिए देना चाहूंगी, इन्होंने अपने लक्ष्यों को समझ लिया है. देखिए, लक्ष्य समझा है, अच्छी बात है. अब ये नहीं मालूम है कि इनकी इनकम कितनी है. हाँ, लक्ष्य जो है ये रियलिस्टिक है कि नहीं है. देखिए, एक विचार, एक सोच है. वेकेशन जाना है, डोमेस्टिक भी है, इंटरनेशनल भी है. 8 करोड़ का लक्ष्य है इस रिटायरमेंट के लिए, तो अच्छा लक्ष्य है. अगर आपकी इनकम सच में इतनी अच्छी है तो बिल्कुल आप आसानी से इसको अचीव भी कर सकते हैं, क्योंकि जो लक्ष्य बनाया है उसको पाने के लिए इन्वेस्टमेंट भी अच्छा करना पड़ेगा. तो ये जरूरी है कि आपके लक्ष्य जो होते हैं वो हमेशा रियलिस्टिक होने चाहिए. और दूसरी बात ये है कि शुरुआत जितनी जल्दी हो और समय के साथ बढ़ाते जाना चाहिए. अगर हम इनके अभी बात करें जो लक्ष्य हैं, उसमें अगर मैं वेकेशन की बात ना भी करूँ, सिर्फ अगर रिटायरमेंट और बच्चों की पढ़ाई और शादी, तो भी लगभग 50,000 रुपये महीना से शुरुआत करें सिर्फ इन तीन गोल्स के लिए और 10% से उसको बढ़ाते जाएं. अच्छा, समय के साथ में. हाँ, तो ये करना संभव हो पाएगा. वो भी हमें पता नहीं है कितने रियलिस्टिकली सेट किए गए, क्योंकि उसमें महंगाई इन्होंने काउंट की है कि नहीं, कि हम नहीं जानते. देखिए, 8 करोड़ की अगर बात कर रहे हैं रिटायरमेंट के लिए तो बिल्कुल होगा. 50 लाख शादी की बात कर रहे हैं, अब वो पता नहीं, क्योंकि उसमें कोई लिमिट नहीं होती है. आप कितना खर्चा करना चाहते हैं, बच्चे के एजुकेशन में भी वो वेरी करता है किस तरह की एजुकेशन आप प्लान कर रहे हैं. बट इन शॉर्ट ये है कि आप जो भी समझते हैं कि आज की तारीख में अगर वो काम आप कर रहे होते तो कितना खर्चा होता, और उसमें महंगाई को जोड़कर भविष्य में कितना खर्चा होगा उस हिसाब से. दूसरी बात, हमेशा देखना चाहिए कि आप कितना कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि विशफुल थिंकिंग अलग बात है कि ऐसा होना चाहिए, बट हर 2 साल में या हर 4 साल में विदेश घूमने जा पाना, ये सच में कितने लोगों के लिए संभव होता है. मुझे मालूम नहीं कि उनका प्रोफाइल कैसा है, हो सकता है वो बहुत रईस हैं और कर सकते हैं, बट इन जनरल बात कर रहा हूँ कि हमेशा गोल सेट करते हैं तो अब ये देखिए कि वो अचीव होने जैसे हों, और जल्दी शुरुआत करें, निवेश करते रहें, डिसिप्लिन मेंटेन करें, इक्विटी को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें, ताकि ये सब चीज़ें संभव हो पाएँ.